नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्रश्न में। मैं अलोक शुक्ला। आज हम लोग इस इलाहाबाद हाई कोर्ट जो आरओ एआरओ की वैकेंसी है उसके लिए बहुत ही विशेष यहाँ पे वीडियो लेके आए हैं, जिसमें आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि जो ये वीडियो है ये पूरी की पूरी करेंट अफेयर्स पे चर्चा करेंगे हम लोग। इस पर 5 से 7 मिनट में मैं आपको वो बताने वाला हूँ कि जो आपके परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होगा। करंट एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, सबसे ज़्यादा भटकते भी हैं, और यही एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे बच्चों की एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा गिरती है या बेकार होती है, आप ऐसे भी समझ सकते हो। क्योंकि आपकी एक परीक्षा ये ऐसी है जो सबसे कम समय में हो जानी है। दूसरी बात ये है क्योंकि यहाँ पर जो कट ऑफ जाता है वो बहुत हाई जाता है। अब यहाँ पे बात अलग है कि नेगेटिव नहीं है तो हमें पीछे तो कम लाएगा, लेकिन अगर सही भी नहीं होता है तो भी वो हमें उसका भुगतान कहीं ना कहीं उसको भुगतना पड़ता है, उसका हर्जाना कहीं ना कहीं हमें पे करना पड़ता है। तो हमें अभी पूरे के पूरे मैंने इलाहाबाद हाई कोर्ट की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें मैंने उसकी वीडियो बताई थी, उसकी लिंक भी मैंने आपके इसमें डाल दी है। बहुत सारे बच्चे हमारे द्वारा चलाए गए कोर्स में जुड़े भी हैं, करीबन 700 बच्चे से ज़्यादा जुड़े हैं, उनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल भी रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है वो चाहे ग्रुप में कोर्स में जुड़े हुए बच्चे हैं, वो बोलते हैं हमेशा कम से कम दिन में 50 कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं व्हाट्सएप में, सर करंट कहाँ से पढ़ें, सर करंट कैसे प्रिपेयर करें, आप कुछ हमें मटेरियल देंगे, क्लासेस कब से करंट की चलेंगी, कहाँ से पढ़ें, बहुत सारी। और ये केवल इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ की मैं बात नहीं करूँ, तमाम वो कोर्सेज में जिससे बच्चे जुड़े हैं, या फिर आप तमाम ऐसे बच्चे जो कहीं ना कहीं करंट के चक्कर में सबसे ज्यादा समय बर्बाद करते हैं। देखिए मैं आप एक को एक बात बताऊंगा कि कहीं ना कहीं संस्था मैं भी चला रहा हूं, कहीं ना कहीं संस्था सब लोग चला रहे हैं, लेकिन आज के समय में जहां पर रिसोर्सेस आपको इतने ज्यादा अवेलेबल है, एक समय होता था जब आपके पास रिसोर्सेस कम अवेलेबल होते थे, आपके पास बच्चे जो कुछ आपके नजदीकी बुक स्टोर पे जो किताबें होती थी उपलब्ध होती थी उनके सहारे होना पड़ता था, या आप जिस कोचिंग में जाते थे उनके सहारे रहना पड़ता था। आज के समय में अगर आप यूट्यूब पे चले जाओ, अगर आप गूगल वेबसाइट ओपन कर लो, इवन आप बुक स्टोर पे चले जाओ, इवन आपका व्हाट्सएप फेसबुक हर जगह इंफॉर्मेशन से भरा हुआ है, और इन इंफॉर्मेशन में सबसे ज्यादा जो इंफॉर्मेशन है वो किसका है, करंट अफेयर का है। कोई उस करंट अफेयर के ब्रांडिंग किसी नाम से करता है, कोई करंट अफेयर उसे मंथली पे करता है, कोई करंट अफेयर उसे वीकली पे करता है, कोई करंट अफेयर उसे ईयरली पे करता है, मतलब जैसे जिसको उस पे टॉपिंग लगा के, उस पे मक्खन लगा के, उस पे सब कुछ लगा के उसे आपको लुभाना होता है वैसा लुभाता है। लेकिन मैं आपको थोड़ा यहां पे बताऊंगा, देखिए आपको लुभाते सब है लेकिन सच्चाई कभी नहीं बताते। मैं जानता हूं कि मेरी बातें बहुत सारे बच्चों को बुरी भी लग जाती हैं, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं डिमोराइज, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं आपको सच्चाई बताता हूं और उसके बाद एक परफेक्ट ऑप्टिमम तरीका बताता हूं कि अगर आप उसे पढ़ लो, आप अगर वैसा कर लो तो वाकई में सिलेक्शन आप ही का होना है, किसी और का नहीं होना है, ठीक है। तो खैर आपके जो भी होते हैं मैं आपको उससे और एनालाइज करता हूं कि करंट कमेंट्स एनालाइज करता हूं, तो आप लोग कमेंट जरूर किया करो ताकि मुझे पता चले कि आपकी विचारधारा और आप क्या सोचते हो, क्या कैसे तैयारी आपकी चल रही है, उन सारी चीजों के बारे में मुझे पता लगता है। आज हम लोग शुरुआत करते हैं करंट के बारे में, और करंट जो सबसे बड़ा मुद्दा है अभी सबसे ज्यादा देखा जाए तो बच्चे का, अगर पूरा कोर्स है, कोई भी कोर्स हो, वो मैं यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट स्पेशल की वीडियो कर रहा हूँ, लेकिन इससे रिलेटेड कोई भी कोर्स हो, वो चाहे आपका राज्य स्तरीय कोई एक दिवसीय परीक्षा हो, या फिर आपका कोई सिविल की परीक्षा हो, जैसे आपका आर ओ ए आर ओ का यूपीपीएससी का हो, या फिर आपका प्रीलिम्स एग्जाम हो जो आपका अपर पीसीएस की बात कर रहे हैं, या फिर कोई अधीनस्थ की परीक्षा हो, या फिर कोई अन्य बोर्ड की, पुलिस भर्ती बोर्ड या किसी की परीक्षा हो, करंट एक अपना बड़ा रोल करती है। जहां पे आपका सिविल का हो, जैसे यूपीएससी और यूपीपीएससी की बात करें, राज्य स्तरीय स्टेट पीसीएस की बात करें, वहां पे करंट अगर देखा जाए तो कम से कम नहीं तो 20% कवर करता है, वहीं पे एक दिवसीय परीक्षाओं में भी उसका वेटेज कम नहीं होता है, कम से कम नहीं तो उसका 15% होता है, 12 से 15%। तो अगर हम देखें 15 से 20% सारे एग्जाम को समग्र रूप से ले लें तो यहां पर आपका करंट आता है, आपका जो एससीआरओ का पेपर होना है 200 क्वेश्चन होने, और 200 में मिनिमम 15 और मैक्सिमम 20 क्वेश्चन यहां पे भी होना है। अगर यहां पे देखें तो 10% लगभग 8 से 10% क्वेश्चन क्या होगा, यहां पे करंट का होगा। लेकिन सबसे ज्यादा बच्चे परेशान करंट के लिए क्यों होते हैं, क्योंकि उन्हें डेफिनेट रिसोर्सेज नहीं मिलता है। सब बातों में एक बात, पहली बात आप समझ लीजिए, परीक्षा कोई भी है, अगर वो एक दिवसीय रूपी परीक्षा है तो जो करंट को पूछने की प्रवृत्ति होती है वो पिछले 6 महीने के होती है। पिछले 6 महीने कब से, जब से जब पेपर बन जाता है। अगर पेपर ऑफलाइन फॉर्मेट का होता है तो ऑफलाइन पेपर होने में तिथि जो एग्जाम के डेट है उससे करीबन 15 से 20 दिन पहले ही पेपर बन के, प्रूफ रीड होके और प्रिंटिंग के प्रोसेस में चला जाता है। मतलब अगर आपकी परीक्षा सपोज करिए कि आपकी 15 सितंबर को है तो 1 सितंबर के बाद पेपर नहीं बनेगा, उससे पहले वो प्रक्रिया
कैटेगरी हो जाएगी। तो 1 सितंबर से लेकर पिछले 6 महीने तक आपका क्या हो जाएगा, एग्जाम हो जाएगा। लेकिन जब आपकी परीक्षा ऑनलाइन होती है तो क्योंकि क्वेश्चन बनने का प्रोसेस लास्ट तक चलता रहता है, सॉफ्टवेयर पे अपलोडिंग लास्ट तक चलती रहती है, अंतिम के 5 दिन तक भी क्या होता रहता है, क्वेश्चन फ्रेम होता रहता है और सॉफ्टवेयर पे अपलोड होता रहता है, तो वहां पे हमें 10 दिन का मार्जिन और लेके चलना पड़ता है। तो अगर आपका 15 सितंबर का है तो आप उसके 6 महीने पहले का, यानी कि आप 10 सितंबर से 6 महीने पहले का आप करंट तैयार करो। तो करंट आपको कायदे से कितनी तैयार करनी है, सबसे बड़ी बात है 6 मंथ की तैयार करनी है। ये 6 मंथ ऐसा नहीं कि आपको 6 मंथ स्ट्रिक्टली इसी के लिए पढ़ना है, इसके आगे ना आएगा पीछे नहीं का, ऐसा नहीं है। कोई ब्रह्मा के लकीर मैं भी नहीं बोल रहा हूँ और ना ही मैं कोई इतना बड़ा भविष्य वक्ता हूँ कि भविष्य देख के आया हूँ कि मैं जो बोल दूंगा वही होगा। लेकिन एक एनालिसिस होती है, एक अनुमान होता है कि हर बार करंट कहाँ से पहुँचता है। जैसे जैसे ये मंथ होगा, अभी आप समझो कि मंथ का एक एवरेज होता है। आपको अगर 15 सितंबर होना है तो 15 सितंबर के बाद इससे पहले अगस्त आएगा, जुलाई आएगा, तो ये जुलाई और जो जून का मंथ होगा, यानी एक दो एवरेज जहां पे जाएगा, वो बीच का मंथ के से खबर सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद उससे पहले भी खबर कम होती चली जाती है और उसके आगे भी खबर कम होती चली जाती है। बस यहाँ पे एक्सेप्शन केवल इतना है, कहीं ऐसा ना हो कि 6 महीने पहले के महीने में कोई 3-4 खबर इतनी महत्वपूर्ण आ गई हो, तो हमें यह भी फिल्टर करना होता है कि खबर कौन सी महत्वपूर्ण है, कौन सी महत्वपूर्ण नहीं है। अगर हम देखें कि करंट के पूछे जाने का नेचर क्या होता है, तो अगर हम नेचर की बात करें, प्रवृत्ति की बात करें, तो देखो भैया हर जगह दिया होता है नेशनल अफेयर दिया होता है। नेशनल अफेयर मतलब राष्ट्रीय घटनाक्रम पूछता है, इंटरनेशनल अफेयर होता है। लेकिन आप अगर करंट अच्छे से देखोगे तो करीबन 60% जो वेटेज होता है वो नेशनल घटनाक्रम, 60% मतलब राष्ट्रीय घटनाक्रम से होता है। करीबन 20% आपका जो क्वेश्चन होता है वो अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम से होता है, और जो आपके बचे हुए 20% होते हैं ये विविध होते हैं, या आप बोल सकते हो मिसलिनियस होते हैं। विविध में क्या आ जाता है, स्पोर्ट आ जाता है, नियुक्ति हो जाती है, कोई रिसेंट की नियुक्ति हुई हो, या फिर कोई ऐसी किताबें आई हो, या कोई दिवस आ गया हो, ये सारे क्या होते हैं, एक एक क्वेश्चन का कवर लेके चलते हैं। लेकिन जब हम राष्ट्रीय की बात करते हैं तो राष्ट्रीय में ही आपकी योजनाएं आ जाती, राष्ट्रीय में ही वो कोई संविधान से जुड़ी खबर है, या राष्ट्रीय में ही कोई आर्थिक खबर है, या राष्ट्रीय में ही कोई हमारा कोई भूगोल या साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, मतलब वो आपके भारत से संबंधित होगी, वो आपके विश्व और भारत के संबंध से संबंधित नहीं होगी, आप ये बात समझिएगा। और इसका भी नेचर अलग होता है एग्जाम वाइज। अगर आप सिविल सेवा परीक्षा की बात कर लो तो इनके बीच में रिलेशन बहुत अच्छा बिठाया जाता है, फिर इसका रोल बहुत ही कम हो जाता है। दूसरी बात, अगर आप कोई एक दिवसीय वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मतलब कि आपका मल्टीपल चॉइस सिंगल डे पेपर होना है, सिंगल स्टेज पेपर होना है, एक दिवसीय और सिविल में अंतर क्या होता है, सिविल परीक्षा में प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस आपका डिस्क्रिप्टिव होता है, कई दिन तक पेपर चलते हैं, तो उन्हें बोलते हैं कि ये कई बहुत दिवसीय पेपर होते हैं। एक दिवसीय में आप सिंगल स्टेज पेपर होता है, एक पेपर देखे है, काम खत्म, आपका अगला स्टेज चले जाओगे, आपका हो सकता है स्किल टेस्ट आ जाए, टाइपिंग आ जाए, दौड़ आ जाए, या उसके बाद आपका फाइनल कर दिया जाता है, वो एक दिवसीय परीक्षा होता है, यानी कि एक दिन में परीक्षा कर ली गई। तो उसमें आपको क्या होता है, दो पेपर के नेचर होते हैं। कुछ एग्जाम में क्या होता है, जीए यानी कि जनरल अवेयरनेस, या स्टैटिक जीके अलग से क्या दे देता है कि हम यहां से पूछेंगे। जैसे आप यूपीएसआई का आप देखोगे तो वहां पे क्या दे दिया है, जीए सेक्शन अलग दे दिया है, जनरल अवेयरनेस दे दिया है, या आप यूपीपी का सेक्शन देखोगे, या फिर आप रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षाएं देखोगे, या अन्य कोई देखोगे, तो वहां पे ये सेक्शन होता है। जब ये सेक्शन होता है तो जो करंट वाला विविध वाला सेक्शन है, ये सेक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और अगर ये नहीं है कोई ऐसा आपका एक दिवसीय परीक्षा, जैसे कि आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट आरो, हालांकि पोस्ट अच्छी है आपकी, ये सिविल के तरीके की है, लेकिन जो परीक्षा करने की प्रवृत्ति है वो एक दिवसीय परीक्षा की है, तो यहां पे आपका आएगा ये समग्र रूप से इस वाले पैटर्न पे चलेगा, और इसी हिसाब से आपको करंट तैयार करते हुए चलना है। लेकिन ये बात तो आपको एनालाइज करनी ही करनी है, ये भी बात ध्यान देना कि आपका वेटेज सबसे ज्यादा है 20% से लेकर 10% तक क्वेश्चन का, और किसी पर्टिकुलर सिंगल सब्जेक्ट का इतना ज्यादा वेटेज नहीं होता है, ये बात भी समझेगा। लेकिन एक्यूरेसी सबसे ज्यादा यहां पे गिरती है, उसके पीछे कारण मैं बताता हूं। एक्यूरेसी नीचे गिरने का कारण सिर्फ इतना है कि बच्चा सबसे ज्यादा यहां पे क्या होता है, कंफ्यूज होता है, सबसे ज्यादा भटकाव की स्थिति यहीं पे होती है। क्यों होती है, क्योंकि सुबह 7 बजे किसी की क्लास चल रही है, मैं ये करंट देख लूं, सुबह 8 बजे किसी की करंट क्लास चल रही है, मैं ये देख लूं, मुझे ये वाला पीडीएफ मिल जाए। आपको आज के समय में एक शौक चढ़ गया, क्या शौक चढ़ गया है, अपने फोन में पीडीएफ इकट्ठा करने का, अपने सिस्टम में, अपने हार्ड ड्राइव में आपको पीडीएफ इकट्ठा करने का एक शौक चढ़ गया है। कहीं से मिल जाए, कोई मिल जाए, बस हमारे पास पीडीएफ होना चाहिए, शायद इस वाले पीडीएफ में अच्छा हो, शायद उस वाले पीडीएफ में, एकदम आप अगर चलो ठीक है अलग कंटेंट है, अलग सब्जेक्ट है, मैं नहीं बोल रहा हूँ उसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन जब आप करंट की बात करते हो ना, तो करंट के लिए एकदम परेशान होना समझ लो आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लो।
ध्यान देना, मैं आपको करंट की कुछ ओरिजिनलिटी बताता हूं। कोई भी घटना होती है तो वो घटना रिकॉर्ड कौन करता है? जो टॉप हमारी न्यूज एजेंसी है या टॉप हमारे जो पत्र ये है न्यूज मतलब समाचार वाले पेपर है, ये हमारे खबर इकट्ठा करते हैं। और ये खबर भी कहां से इकट्ठा करते हैं? भारत सरकार की एक PIB क्या है, वेबसाइट है या ब्यूरो है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है। सारे घटनाक्रम सब कुछ कहां पे आता है? PIB पे आता है। फिर डिफरेंट डिफरेंट, वो चाहे मैगजीन हो, वो चाहे आपकी कोई संस्था हो, वो चाहे परीक्षा प्लस ही क्यों ना हो, मैं यहां पे एकदम बोल रहा हूं, वो चाहे परीक्षा प्लस ही क्यों ना हो, मैं ही क्यों ना हूं, मैं भी वही काम करूंगा, या फिर कोई आपका YouTube चैनल कोई ना हो, या फिर आपका कोई पब्लिकेशन क्यों ना हो, सारे के सारे लोग क्या करते हैं, यहां से या कुछ अच्छे पब्लिकेशन से मदद लेके एक नया कंटेंट तैयार करते हैं, उसमें मसाला मिर्च लगाते हैं और आपके सामने पेश कर देते हैं, और आप उस मसाला मिर्च उस स्वाद के चक्कर में लुभावन की तरह दौड़ते रहते हो, कभी इस कहां से यहां, कभी यहां से यहां, कभी यहां से यहां, और यही पे सबसे ज्यादा आपका समय जाता है। जब आपको पता है कि सोर्स केवल एक है, खबर वही है, आप 10 किताबें पढ़ लोगे तो भी घटनाक्रम वही रहेगा। अरे मुझे एक बात बताओ यार, अगर कोई घटना घटती है तो वही मैं अपनी किताब में छापूंगा, वही दूसरी संस्था अपनी किताब में छापेगा, वही पब्लिकेशन भी किताब में छापेगा, वही कोई न्यूज एजेंसी पे छापेगा, कोई खबर तो बदल नहीं देगा। खबर में बस वे ऑफ प्रेजेंटेशन अलग होना चाहिए। तो वे ऑफ प्रेजेंटेशन किसका अच्छा है, हमें दिमाग ये लगाना चाहिए, और उसके लिए आपको केवल ट्रस्ट करना चाहिए जो मार्केट में टॉप क्या है, मार्केट में टॉप पब्लिकेशन है। अब टॉप पब्लिकेशन कौन सी है? दो पब्लिकेशन सबसे अच्छी चल रही है, अगर आप देखा जाए एक दो नाम और हैं। एक तो आपकी घटना चक्र है ना, घटना चक्र सबसे अच्छी पब्लिकेशन इस समय माना जा रहा है, लेकिन करंट को थोड़ा हाफ ईयरली बेसिस में अच्छा प्रेजेंट करने वाला एक घटना सार भी है ना, ये घटना सार है, ये किताब है। उसके बाद आपका प्रतियोगिता दर्पण वगैरह भी है, ये भी है, लेकिन ये अभी ऐसा नहीं है, इसका रिलेवेंस अभी एक समय बहुत अच्छा था, लेकिन आज के समय में घटना चक्र खासकर यूपी वाले बच्चों के लिए, अगर हम और स्टेट की बात करें, क्योंकि प्रतियोगिता दर्पण लगभग सारी स्टेट को कवर करके चलती है, लेकिन ये दो जो पब्लिकेशन है इनका मेन फोकस क्यों होता है, इनका मेन फोकस यूपी के एग्जाम होते हैं, और क्योंकि ये कहां है भी, इलाहाबाद प्रयागराज में ये क्या है, इनके पब्लिकेशन हाउस भी है, तो वहीं पर ज्यादा है, तो ये सेंटर्ड भाई जो जहां का रहेगा वो वहां का ज्यादा सोच पाएगा, जबकि PD वगैरह प्रतियोगिता दर्पण वगैरह ऑलमोस्ट समग्र रूप से चलता है। तो अगर आप राज्य स्तरीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो ये दोनों जो आपके मैगजीन हैं ये सबसे अच्छे हैं, और भी हैं बहुत सारे, लेकिन आप इससे ज्यादा रिलेवेंट कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं हूं ना परीक्षा प्रश्न, तो मैं भी इसका मदद लेता हूं आपके लिए कंटेंट तैयार करने में। अगर मैं घटना चक्र मदद लूंगा शायद मैं नहीं बना पाऊंगा, अगर मैं घटना सार का मदद नहीं लूंगा शायद नहीं बना पाऊंगा, अगर मैं PIB का मदद नहीं लूंगा तो मैं एकदम नहीं बना पाऊंगा, मुझे कहीं ना कहीं इन्हीं सोर्सेस से आपको नोट्स बनाने होते हैं, इन्हीं का करंट देना होता है, और सभी संस्थाएं यही करती हैं। फिर आप क्यों भटकते हो? आप इन्हीं सोर्स को जहां से सब लोग बनाते हैं, इनसे अच्छा कंटेंट कोई नहीं बना रहा है। और एक बात और समझना, जो पेपर बनाने वाले होते हैं वो भी इंसान होते हैं, भगवान नहीं होते, ना ही कोई मशीन होते हैं। वो भी जब पेपर में क्वेश्चन डालते हैं तो कहां से डालेंगे? वो भी देखेंगे सबसे ऑथेंटिक सोर्स कहां पे, कौन सी चीज गलत नहीं हो सकती है, तो वो सबसे पहले दिमाग जाएगा उनका घटना चक्र पे। तो वो अगर कोई खबर उठाएंगे, अब वो एक बात बताओ, मुझे उन्हें कोई करंट का न्यूज डालना है तो पेपर बनाने वाला 6 महीने तो इंतजार कर नहीं रहा था कि मैं 6 महीने बैठे रहूंगा फिर मैं करंट का क्वेश्चन डालूंगा। वो आज बैठा, उसे 20 क्वेश्चन सेट करने हैं, 20 क्वेश्चन कहां से उठाएगा? रिसेंट की मैगजीन से उठाएगा, या फिर अब रिसेंट की मैगजीन मुझे ढूंढेगा तो पता लगेगा ये खबर अच्छी है, अब वहां पे मदद लेगा कि वो फिर इंटरनेट की मदद से लेके कुछ उसका डीप क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन वो सारी बातें घटना चक्र घटना सार क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। तो अल्टीमेटली समग्र रूप से जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं, सब कुछ समझ में आ गया हो तो एक बात आप एकदम कान खोल के सुन लो, करंट के लिए ना ही दैनिक रूप से आपको किसी वीडियो को देखने की जरूरत है, ना ही कोई क्लास अटेंड करने की जरूरत है, और ना ही किसी PDF का कूड़ा भरने की जरूरत है। दो किताबें हैं, एक घटना सार है, ये हाफ ईयरली निकालती है, अर्धवार्षिकांक निकालती है, बहुत अच्छा आता है, इसमें 4 अंक एक साल में आते हैं। इतने घटना सार का 1 अंक आया था, पहला जनवरी में आया था, दूसरा मार्च में आया था। जनवरी में जो आया था वो वार्षिकांक था, मार्च में जो था अर्धवार्षिकांक था, अभी मार्च में आया था वो हमारा क्या था, वार्षिकांक था या अर्धवार्षिकांक था शायद। और उसके बाद एक अभी आया है रिसेंट में, जिसमें जनवरी से लेके पूरा जुलाई तक जून तक खबर है। उसके बाद जो अभी तीसरा जो आएगा वो अंक आएगा, तीसरा अंक वो आएगा अक्टूबर के पहले वीक में। मैंने इनसे बात भी की थी इनके ऑफिशियल नंबर पे कॉल करके, तो अक्टूबर मंथ के फर्स्ट वीक में आएगी। आपको ASC RO के लिए करंट तैयार करना है तो इस किताब को पढ़ो। देखो मैंने बोला था एक्यूरेसी कम होती, क्यों एक्यूरेसी कम होती है, आप एक ही चीज 10 जगह से पढ़ोगे ना,
एक ही चीज 10 जगह से पढ़ोगे तो आपके दिमाग में अलग अलग इमेज बनेगी, अलग अलग इंफॉर्मेशन की इमेज बनेगी, और जब आप पेपर में जाके बैठते हो तो ये सारे इमेज आपस में क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, और फिर आप चारों ऑप्शन को लगता है कि यार ये भी सही हो सकता है, 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 और अंततः आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, और वहां पर एक्यूरेसी आपकी क्या हो जाती है, सबसे ज्यादा गिर जाती है। जबकि आप केवल एक सोर्स उठाओ और इसे 10 बार पढ़ लो तो आपका 99.99% वही इंफॉर्मेशन जो 10 कलेक्शन होगा वो एक ही जगह पे होता है, और अगर आप 10 बार पढ़ोगे, मल्टीपल टाइम पढ़ोगे, तो आपका एक भी अंक जाएगा नहीं। करंट जो बच्चा सिलेक्शन लेता है उसका करंट इतना स्ट्रांग होता है, वो एक किताब को 10 बार पढ़ता है, एक पब्लिकेशन जो सॉलिड है उसे कवर करता है। तो अगर आपको वार्षिकांक पढ़ना है, वैसे तो मैं यही बोलूंगा कि आप अर्धवार्षिकांक पढ़ो, अर्धवार्षिकांक ये वाला पढ़ो घटनासार, लेकिन फिर भी अगर कोई चाहता है कि मैं वार्षिक वाला भी कवर कर लूं, तो वार्षिकांक घटना चक्र पॉइंटर निकालती है, वो आप पॉइंटर निकाल ले आओ और वो पॉइंटर अच्छे से पढ़ जाओ, और वो भी एक बार में कुछ नहीं होगा, एक बार पढ़ो, दो बार पढ़ो, तीन बार पढ़ो, कम से कम 10 बार पढ़ो, जितनी आपकी कैपेसिटी उतनी बार पढ़ो। एक आदत डाल लो कि सुबह अपने पिल्लो के बगल में करंट अफेयर्स, ये घटना सार की किताब है, इतनी पतली सी है, अभी इसमें मैं आपको पेजेस बता दूं कितने पेजेस हैं, 160 पेज हैं। अगर आप इसे पढ़ने बैठ जाओगे ना सुबह, अगर आधा घंटा निकालोगे, एक घंटा निकालोगे, तो मेरे ख्याल से 10 से 15 रीडिंग करो। मैं नहीं कह रहा हूं एकदम उसे लर्न कर लो, उसे कुछ कर लो, कोई जरूरत नहीं है। आप सुबह उठो, सबसे पहले जब फ्रेश मूड रहे तो आप क्या करो, 10-20 पेज इसका कवर कर लो। 160 पेज कितना देर कवर करने में लगेगा? अरे भाई, अगर आप एक घंटा केवल आधा घंटा निकालते हो तो भी आपका मुश्किल से 80 दिन वहां पे जा रहा है। 80 क्या दिन, 8 दिन में कवर हो जाएगा। 8 × 16 अगर 20 कवर कर लो, है ना, 8 दिन में आप पूरा का पूरा क्या कर लोगे, ये पूरा का पूरा कवर कर लोगे। मैं अगर 2 पेज पढ़ोगे तब 80 जाएगा, लेकिन ये क्योंकि आपको जल्दी कंज्यूम करना होता है, 20 पेज एक दिन में पढ़ोगे तो 8 दिन में कवर कर लोगे। मतलब एक सप्ताह में आपकी प्रिपरेशन में ये एक बार खत्म कर लोगे, जब दोबारा पढ़ोगे तो ये 8 दिन भी नहीं लगेगा, तिबारा पढ़ोगे तो ये शायद 3 से 4 दिन लगे, अगले दिन पढ़ो तो हो सकता है कि क्विक रिविजन में आप 5-6 घंटे में इसे कवर कर दो। तो ये आपका तरीका, चलो 20 पेज कोई नहीं पढ़ पाएगा, 10 पेज पढ़ेगा, 16 दिन ले लो यार, 16 दिन उसे अच्छे से कवर करो। लेकिन आप ये आदत डालो कि एक कंटेंट को कई बार पढ़ो। जो बच्चे क्लास के लिए परेशान रहते हैं तो मैं ये उनको खुला बोलता कि परीक्षा प्लस आपका समय व्यर्थ करने में विश्वास नहीं करती है, हाँ, लेकिन आपके लिए वीकली क्या करती है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेके आती है। क्या? मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। और मैं साफ साफ बोलूं, मैं ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन उन्हें घटना चक्र और घटना घटना सार और आपका पीआईबी की सहायता से ही पूरी टीम बनाती है, 3 सोर्स के अलावा कोई सोर्स नहीं लेती। कई बार क्रॉनिकल जो होती है मंथली वाली वो अच्छी होती है, लेकिन वो सिविल एस्पेक्ट के लिए होती है, क्योंकि मैं सिविल एस्पेक्ट की यहाँ पे इसमें स्ट्रेटेजी नहीं बता रहा हूँ करंट की, यहाँ पे मैं केवल आपका एएससी आरओ को लेके कवर कर रहा हूँ। तो उसके लिए घटना चक्र, फिर आपका घटना सार और आपका क्या है, ये दो आप कवर करो, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। बाकी अगर आपको करना है तो ये वीकली मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, है ना, एमईक्यू होते हैं, और ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में ही आपका मैक्सिमम एग्जाम से क्वेश्चन ही पे आ जाता है, क्योंकि जो टीम होती है इससे भी फिल्टर करके क्रक्स यहाँ पे लेके आती है और वो आपको देती है। तो अल्टीमेटली आपसे मैं फिर यही बोलूंगा कि अगर आप अपना करंट तैयार करना चाहते हो तो अपने आप को क्या करो, रोको, बहुत ज्यादा भटकाओ मत, लाओ। टीम आपके लिए वीकली प्रोवाइड कर रही है, इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देगी। इसके अलावा आप घटना चक्र घटनासार में से कोई एक अर्धवार्षिकांक ही मिल जाए, सबसे प्रथम प्रायोरिटी आप घटनासार को दो। अर्धवार्षिकांक जब नहीं मिलती है तब आप जाके घटना चक्र का वार्षिकांक खरीद लेके आओ और उसे मल्टीपल टाइम पढ़ो, पतली सी किताब है, अच्छे से पढ़ोगे, कई बार पढ़ोगे, करंट का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और यह आपके सिलेक्शन के लिए बहुत बड़ी आपका बैकबोन बनेगा। फिर मिलेंगे अलग अलग विषय के अलग अलग रणनीति के साथ। इलाहाबाद हाईकोर्ट के कोर्स में बहुत सारे बच्चे अपनी तैयारी दिन प्रतिदिन अच्छी करती जा रहे हैं, आप भी कोर्स से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी में एक अच्छी धार दे सकते हैं। फिर मिलते हैं, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।